बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको आम खबर से आगाह करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए करारदाद जमा। पीटीआई एमपीए मुसर्रत जमशेद ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए मुतहरिक। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, वतन वापस लाकर सजा मुकम्मल करवाई जाए। मुसर्रत जमशेद की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। मुसर्रत जमशेद ने करारदाद में नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के गठजोड़ को मुल्क की मफाद में मुनाफी करार दे दिया। नाजरीन मजीद तफसीलात जानने से पहले आप एसपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पीटीआई रहनुमा नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए मुतरिक हो गए। उनका कहना है कि नवाज शरीफ इलाज के बहाने मुल्क से बाहर गए थे, लेकिन इस वक्त वलंदर में सैर और तफरी में मसरूफ हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता शख्स हैं। उनके खिलाफ पंजाब असम्बली में पीटीआई एमपीए मुसर्रत जमशेद ने करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में कहा गया कि सजा याफ्ता मुजरम नवाज शरीफ नाकाबले इलाज बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर गए थे और अब वो मुल्की अदारों के खिलाफ मसरूफ अमल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क वापस लाकर उनकी सजा मुकम्मल करवाई जाए। करारदाद में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के गठजोड़ को मुल्की मफाद के मुनाफी करार दिया गया, जबकि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने अदालत में नवाज शरीफ की बीमारी के मुतल्लिक बयान हल्फी जमा करवाई थी कि मैं अब गारंटी देता हूँ कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ की सेहत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, जिसके बायस अदालत ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ की गारंटी पर बाहर जाने की इजाजत दी थी। इस पर पीटीआई रहनुमाओं का भी कहना है कि नवाज शरीफ जहाज में सवार होने से पहले ही अशाश बशाश नजर आने लगे और जब वो लंदन पहुंचे तो बिल्कुल सेहतियाब हो गए। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ की बीमारी का नाम आज तक साइंस में नहीं सुना कि प्लेटलेट्स जैसी कोई बीमारी भी होती है। उन्होंने सिर्फ बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से फरार होना था, लिहाजा नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए और उनकी सजा मुकम्मल करवाई जाए। जिस पर पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद ने पंजाब असम्बली में नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की करारदाद जमा करवा दी।